सर, दे टेक बिस्किट विथ टी। क्या वे चाय के साथ बिस्किट खाते हैं? हाँ सर, वो चाय के साथ बिस्किट खाते हैं। डू दे टेक द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर? यस सर, दे द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर्स। क्या वे अपने शिक्षक का मार्गदर्शन लेते हैं? हाँ सर, वो अपने शिक्षक का मार्गदर्शन लेते हैं। गुड मॉर्निंग निधि, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? थैंक यू सर। आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू। निधि, इतने दिनों यस सर। में अंजलि इस तरह से उत्तर देना क्यों नहीं सीख पाई, बता सकती? बिकॉज सर, सी कैन नॉट, बिकॉज शी डज नॉट लिसन सी केयरफुली। डज नॉट लिसन केयरफुली। जरा उससे हाउ आर यू पूछ के देखो। हाउ आर यू अंजलि? आई एम फाइन। आप कैसी हैं चलो अंजलि? अभी से पूछ लो, वो तो नहीं दे पा रही उत्तर। हाउ आर यू सर? अच्छा निधि, जरा उसका प्रोफाइल तो देखो, यस। कितना गंदा लग रहा है ना। अंजलि, आपका सिर्फ मतलब इतना दिख रहा है बस, आईज तक क्लियर नहीं। ओके, अभी भी उसका प्रोफाइल खराब क्यों होता है पता है निधि? उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं पास में घुस के बोलूंगी तो मेरी आवाज सही सुनाई देगी। इसलिए वो एकदम मोबाइल में मुंह घुसा लेती है। अपन इस पे चर्चा कर चुके हैं ना निधि? इस डिवाइस पे अपन ने चर्चा की है ना, ये जो मोबाइल नाम की वस्तु जो चाइना ने बनाई है, भले ही अपन चाइना से नफरत करते हैं, भारत की बहुत सारी जमीन दबा के बैठा है, बहुत खराब है, ब्ला 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 सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो बहुत बढ़िया बना रहा है। कि नहीं? कितना बढ़िया ये गैजेट उसने बना के दिया है, एमआई का है हमारा मोबाइल, और इतना बढ़िया है कि हमें ईयरफोन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं थी? जैसे वो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे अभी हमारा प्रोफाइल बिल्कुल अप टू डेट दिख रहा है। यस ओके, तुम्हारा प्रोफाइल भी बढ़िया है, बस थोड़ा तुम राइट साइड में देख रहे हो, लेकिन वो भी अच्छा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है। हाँ अब तुम सेंटर में देख रहे हो, तो ये तुम्हें भी दिखता है कि नहीं दिखता है? क्यों अंजलि, तुम्हें खुद दिखती हो कि नहीं दिखती है इसमें? हाँ सर, बट हो नहीं पाता मेरे से। अच्छा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है? सर, मैं भी सोचती हूँ प्रोफाइल पूरी है पर आ नहीं पाती है। अच्छा निधि, व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? द लास्ट वर्ब वॉज लास्ट वर्ब वॉज चक्कर लगाना सर, दैट इज गो राउंड।
Yes, you have given us yesterday this window. Ask the same question to Anjali. Anjali, what was the last verb? Anjali, good morning. Okay, no problem. Nidhi, what was the second last verb? So the second last verb was nervous hona, that is get nervous. Yes. From sequence. चलो जब तक मैं ढूंढ रहा हूँ अंजलि से पूछ के देख ले, जवाब दे देती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात. अंजलि, what is the verb for get nervous? अंजलि हाँ ओके शान, व्हाट वाज द वर्ब फॉर गेट नर्वस, सॉरी नर्वस होना? द वर्ब फॉर नर्वस होना शुड बी गेट नर्वस. Okay, Anjali Didi, what should be the verb for Ghoshana Karna? Ud Ghoshana Karna. I don't know. Ghoshana Karna. Okay, you can ask to Nidhi Didi. What was Ghoshana Karna? Good. And Nidhi answer. The verb for udghoshna karna should be, I also don't know. Chan, what should be the verb for udghoshna karna? I also don't know the verb for udghoshna karna. Okay. Lily, what should be the second form of announce? The second form of announce would be announced. Anjali, what should be the third form of announce? More than announce, what is third form announce? Nice. Chan, what should be Nididi, what should be the verb for Urna? The verb for Urna should be fly. Anjali, what should be the second form of fly? I don't know what is fly second form. You can ask me. What should be fly in second form? The second form of fly should be flew. Ask the spelling to Nidhi. Okay. Nidhi Didi, what should be the spelling of flu? The spelling of flu should be FLUEPEW. Anjali, what should be the third form of fly? Nidhi, ask Shyam. What should be the third form of fly?
And the third form of fly should be flown. What's the spelling? Nidhi, what should be the spelling of flown? The spelling of flown should be FLOWN. Flown. Yes, Google me bata. Dilip sir, go. Anjali, what should be the verb for udana? Change the name. Only name. Shan. The verb for udana all should be fly. Nididi, what should be the second form of verb? Second form of fly. The second form of fly should be flew. Anjali, what should be the third form of fly? The third form is flow. Is Shan, who announced this? Mr. Modi ji announced this. Iski udghoshna kisne ki? Iski udghoshna Mr. Modi ji ne ki. Ek aur Hindi puch lete. ये किसने अनाउंस किया? ये मिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया. निधि दी, हु अनाउंस दिस? राहुल गांधी अनाउंस दिस. निधि, इसकी उद्घोषणा किसने की? इसकी उद्घोषणा राहुल गांधी ने की थी. अंजलि, who announced this? सोनिया गांधी announced this. Who this announced this? Barack Obama announced this. किसने घोषणा की? इसकी उद्घोषणा बराक ओबामा ने की. Yes. Shan, two questions. Did the principal announce? Yes, he announced. Principal ji ne announce kiya? Haan, unhone announce kiya. What did he announce? He announced that everybody should be in proper uniform. Unhone kya udghoshna ki? Unhone sabko proper uniform mein rehne ki udghoshna ki. उन्होंने घोषणा की कि सबको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए. हाँ, उन्होंने घोषणा की कि सबको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए. चेंज द सब्जेक्ट, आस्क निधि दी. ओके. डिड इंडिया अनाउंस? Yes, India announced. What did India announce? क्या इंडिया ने उद्घोषणा की? हाँ, इंडिया ने उद्घोषणा की. What did India announce? It announced. Uh,
वी विल टेक कश्मीर. इंडिया ने क्या उद्घोषणा की? उसने उद्घोषणा की कि हम कश्मीर लेंगे. अंजलि, हु डिड अनाउंस, सॉरी, व्हाट डिड what did your sasuma announce my sasuma announced today's today's cook only puri kheer nahi sahi hai. Come again. My sasu ma announced make today's making kheer puri make kheer puri. Sorry, I'm changing subject na. What did police announce? Police announce during corona bahar nahi nikalna hai matlab police announce without a mask. We have to take on mask. उसने क्या अनाउंस किया था? पुलिस ने ये अनाउंस किया था कि आप बिना मास्क के नहीं निकल सकते हो. प्लीज आस्क टू सम. ये वाला सेंटेंस कोई और मतलब कौन अनाउंस किया? यस सेम सेम. Manmohan Singh announce? Manmohan Singh announced that India is not safe. Manmohan Singh ne kya announce kiya tha? Manmohan Singh ne announce kiya tha ki India safe nahi hai. Wait. Shan, did paper aeroplane fly? Yes, the paper aeroplane flew. Very nice. Kya kagaj ka hawai jahaj uda? Haan, kagaj ka hawai jahaj uda. Okay, tell me how high did it fly? It flew very high. That's all. वो कितना ऊंचा उड़ा? वो बहुत ऊंचा उड़ा. अब शान अपन इस इन्हीं दोनों सेम क्वेश्चन को पूरा राउंड खेलते हैं. इस बीच किसी को लिखना हो लिख लेना. एक चीज और समझा दे. अभी हमारे प्रश्न करने से हो सकता है निधि दीदी के मन में एक सवाल आया हो. इस तरह वाला डब्ल्यू एच को आपने दिया ही नहीं, तो डब्ल्यू एच की कोई लिमिट नहीं होती. हम
कोई सा भी शब्द लगा देंगे अगर उसके आगे, तो वो एक नया डेकोरेट जैसे काम करेगा। तो इस तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। और तुम्हें लिखना हो तो कहीं पे भी रफ में सेम क्वेश्चन अभी शान करेगा, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी आएगा और वो रिकॉर्ड भी रहेगा। सबसे बड़ी बात वो रिकॉर्ड रहेगा, तो किसी को तुरंत लिखना हो लिख सकता है, नहीं तो बाद में वीडियो देख के लिख लेना। Ask the same two questions. Okay. Did the paper airplane fly? Yes, it flew. क्या कागज का प्लेन उड़ा? हाँ, ये उड़ा था। How high did it fly? It flew only 2 feet. ये वो कितना ऊंचा उड़ा था? ये केवल 2 feet ऊंचा उड़ा था। फीट में एस लगा है तनिधि? हाँ सर। क्यों नहीं लगा? It flew only 2 feet. फीट में एस लगेगा क्या? नो, क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी प्लूरल। एंड व्हाट इज द सिंगुलर नंबर ऑफ फीट? फुट। फुट। ओके। फीट में एस नहीं लगता। Anjali, did paper airplane fly? Absolutely. Paper, yes, it is flew. Anjali, क्या पेपर का प्लेन उड़ा था? हाँ, मैंने पेपर का प्लेन उड़ाया था। How high did it fly? It fly, it's flew my घर का दीवार। ये कितना ऊंचा उड़ा था? यह मेरे घर के दीवार के तक ऊंचा उड़ा था। इट्स योर गो अंजलि, प्लीज आस्क। अंजलि जी, इट्स योर टर्न। Did paper did fly paper aeroplane? Yes, it flew. आपने क्या पेपर का एरोप्लेन उड़ाया था? हाँ, वह उड़ा था। How high it fly? It flew very 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 high. आपने क्या कितना आपने कितना ऊंचा उड़ा मतलब था? वो बहुत 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 ऊंचा उड़ा। Use the same verb Shan and change the subject. उड़ना सेम। डेड
there's the UFO fly. Yes, UFO fly, flew. Yeah, UFO ora. How long did it fly? It flew. Sorry, come again. Your question. How long? Same question. Or is it correct? Shan, if you want to change WH word, you can change. Okay. How long did it fly? From where did it fly? It flew from airport. वह कहाँ से उड़ा? एयरपोर्ट से उड़ा था वो. ये जो निधि, did you know about UFO? No sir, that's why I keep this one object, airport. अमेरिका वालों के दिमाग में ज्यादा घुसा रहता है ये. उनको लगता है एलियन होते हैं पृथ्वी से बाहर कहीं किसी ग्रह में, और वो पृथ्वी पे आते रहते हैं. तुमने किसी कार्टून में, बच्चे के कार्टून में ऐसा देखा होगा. यस सर, सर जादू. हाँ यस, इट इज स्पेस सर. शान, व्हाट इज दिस? It is UFO, means alien spaceship, unidentified foreign object. I guess it's unidentified flying object or flying object. Maybe I'm not sure. Yes, it is unidentified flying object. Sir, can I write it? Because I have to teach to Adi. This is for general knowledge, no? अरे वो ले लो ना एक screenshot. हाँ, okay. Okay. Meanwhile, I'm asking the next question. Chan, did the pilot fly? Yes, he flew. Kya pilot ne udaya? Haan, usne udaya. What did he fly? He flew a 1980s हेलीकॉप्टर. उसने क्या उड़ाया? उसने 1980 का हेलीकॉप्टर उड़ाया. निधि, ये एक मात्रा के अंतर को समझ गई ना, उड़ना और उड़ाना? डेड निधि, डेड योर सन फ्लाई? यस, my son is flew. क्या आपके बेटे ने उड़ाया? हाँ, मेरे बेटे ने उड़ाया. What did he fly? He flew. वो अपने टॉय वाला खिलौना उड़ाया. टॉय जो खेलते हैं ना वो लोग,
रिमोट कंट्रोल उसने क्या उड़ाया? उसने अपना टॉय वाला खिलौना उड़ाया। Ashley, please ask me. Did your neighbor fly? Yes, my neighbor flew. आपके नेबर ने क्या उड़ाया? सॉरी, क्या आपका नेबर ने क्या उड़ाया था? हाँ, मेरे पड़ोस ने उड़ाया था। What did fly your neighbor? Actually, he flew kite. उन्होंने आपके नेबर ने क्या उड़ाया था? उन्होंने पतंग उड़ाई थी आकाश में। शान, have you written the first one? Yes, Nidhi, I have written the first one. Should I erase? Yes, Nidhi, you should erase. And Nidhi, have you written the second one? Yes. Should have the written the. Should I erase? Yes, you should erase. Ask to Nidhi. Watch. Nidhi, what was the last interactive sentence? Sir, the last interactive sentence was so and so. That is fala fala. Have I given you as you? Yes, sir. No, sir. You have not given us this one. Interactive. Do you know the meaning? Yes, sir. I know. Okay. The Hindi meaning of this interactive sentence is jaisi aapki marzi, jaisa aap chahte ho. Let's use it in practical sentences. Shan, start. Anybody can start. I'm mute. I was making. My friend was asking me which burger should I order. He said the chicken cheeseburger or the chicken cheeseburger. So I said as you wish. मेरा दोस्त मेरे से पूछ रहा था कि मुझे कौन सा बर्गर ऑर्डर करना चाहिए, cheeseburger और chicken cheeseburger. तो मैंने उससे कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। When Adi asked to me, Mama, can I read? This one chalisa. I said to him, okay Adi, as you wish, you can read it. Tab Adi ne mujhse pucha, mama, kya main ye wala chalisa pad sakta hu? Maine kaha, acha,
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हो। माय डॉटर से दिस क्लॉथ पुट ऑन दिस पार्टी, आई से एज यू लाइक। आप मेरी बेटी ने पूछा क्या मैं इस पार्टी में ये वाली ड्रेस पहन सकती हूँ, तो मैंने बोला जैसी आपकी मर्जी। Can anybody guess the meaning of today's idiom? Yes, sir, I can try. Please. As the king, as the subjects. That is just Rajat, thus present. Is it so? Just Rajat, just present. जैसा राजा वैसी प्रजा। I went to Rome and I saw as the king as the subject. मैं रोम गया और मैंने देखा जैसा राजा वैसी प्रजा। When Kamalnath ji came to Jabalpur, he looked yeah, there is very corruption. She said, as the king, as the subjects. जब कमलनाथ जी आए जबलपुर, यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा जस राजा तस प्रजा। इसके अलावा ने तो एज इट इज बोल सकती हो अंजलि। सर आई रीड बीरबल, अकबर एंड बीरबल स्टोरी एज द लाइक एंड एज द सब्जेक्ट। मैंने अकबर और बीरबल की स्टोरी में मैंने पढ़ा है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। निधि, विच चैप्टर, इन विच चैप्टर डिड आई गिव यू द लास्ट सेंटेंस? सर यू गेव अस इन पास्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल। Write down the next sentence. बच्चे झूठ नहीं बोलते। Who has to make this sentence? So I have to make this sentence. This sentence belongs to present simple tense. It is a negative sentence.
firstly I will take the subject, and the subject is children. Thereafter I will take the helping verb, and the helping verb is do. Then we will put the negative word, and the negative word is not. And lastly I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is lie. First round, simple round. Chan, who do not lie? Kids do not lie. कौन झूठ नहीं बोलता? बच्चे झूठ नहीं बोलते. मेरी दीदी, who do not lie? Actually, kids do not lie. कौन झूठ नहीं बोलता? शान, दरअसल बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं. अंजलि, who do not lie? Kids don't lie. नहीं, kids do not lie. अंजलि, कौन झूठ नहीं बोलता है? बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं. सेकंड राउंड. डू यू स्मोक? नो, आई डोंट स्मोक. तुम सिगरेट पीते हो? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता. We have to change the subject or with you. एक राउंड अपन यू से खेल लेते हैं, फिर सब्जेक्ट से. ओके, निधि दीदी, do you fly? No, I don't fly. ये क्या आप उड़ाती हैं? नहीं, मैं नहीं उड़ाती. Do you fly airplanes? Yes. No, I don't fly airplane. इसको ऐसा बनाओ, क्या आप अभी भी कागज का जहाज उड़ाती हो? कैसे बनाओ? Do you still fly paper aeroplane? No, I don't still fly. Sorry, I don't fly it. क्या आप कागज का जहाज उड़ाती हैं? हवाई जहाज उड़ाती हैं? क्या आप अभी भी कागज का हवाई जहाज उड़ाती हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ. ये मैं नहीं उड़ाती. अंजलि, do you drink? तुम्हारा उत्तर ये होना चाहिए कि नहीं, मैं अब कागज का हवाई जहाज नहीं उड़ाती. तो तुम लगा लोगी, वो सही लगेगा, लगा के देखो. नो, आई डोंट फ्लाई airplane now. अंजी जी, क्या आप अभी भी कागज का हवाई जहाज उड़ाती हैं? नहीं, अब मैं कागज का जहाज नहीं उड़ाती. अंजलि, do you take beer? क्या बियर?
यस आई टेक बियर ओकेजनली. अंजलि क्या बियर पीती हो? हाँ मैं कभी कभी ओकेजनली पी लेती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आंसर ऐसे दिया बस. इट्स योर गो अंजलि, प्लीज आस्क दिस. Do you like? To whom are you asking? Sir, or me, or son? अब किससे पूछ रही हो, सर में या फिर सन? Your mic is mute. Okay, let's start second round. Do elder children fight for toffees? No. Elder children don't fight for toffees nowadays. क्या बड़े बच्चे टॉफी के लिए झगड़ते हैं? नहीं, आजकल बड़े बच्चे टॉफी के लिए नहीं झगड़ते. मेरी टू टू रिच पीपल केयर फॉर द पुअर. Actually, rich people don't. What was your work? Help. I'll repeat. Do rich care, people care the poor sometimes. Care for. Sometimes rich people do not care for the poor. क्या अमीर लोग गरीबों की केयर करते हैं? कभी कभार अमीर लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं. अंजलि do spouse go sorry do spouse spouses sorry sir is it singular number yes it is singular. okay do husband wife Do husband and wife go to wandering beer bar together? Go to pub get together? Yes, husband wife go to pub. चलो हम तुमसे एक सरल सवाल कर लेते हैं. डू फिश फ्लाई इन द स्काई? नो
नोस काम देखा क्यों निधि? अभी देखा क्या हुआ? या आई नोटिस। अब क्या करो, बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको नेगेटिव आंसर देना अभी अभी सीखा है, तो फिर ऐसा पूछ लो कि जो संभव ही ना हो। अच्छा, हमने फिश में एस लगाया था कि नहीं? नो। इट इज राइट और रॉन्ग? फिश अपने आप में प्लूरल ही होता है, फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता है। फिश वर्ब भी है, तो जॉन फिशेस एवरी सैटरडे। देखो गूगल लेगा, जॉन फिशेस एवरी सैटरडे, जॉन हर शनिवार को मछली पकड़ने जाता है। फिश अपने आप में प्लूरल नंबर। There is one fish. There are 10 fish in the pond, in the ball. I repeat my question to Anjali. Anjali, do fish fly in the sky? No, sir. Fish not fly in the sky. Very good. क्या मछलियां आसमान में उड़ती हैं? नहीं सर, मछलियां आसमान में नहीं उड़ती हैं। वेरी गुड। अंजलि, ये जो लिखते हम तुम्हें क्लियर दिखता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है विजिबिलिटी में? ये क्या लिखा है सर? किड्स दो दिख रहा है यहाँ पे, डू लिखा हुआ। अच्छा, हम इसलिए पूछ रहे क्योंकि तुमने अभी आंसर में लगाया नहीं था, तो हमें लगा देख नहीं रहा होगा। चलो हम यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो।